श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आज का यह उपाय शहद और बेलपत्र का उपाय है। अगर आपके पास शहद नहीं है तो लाल चंदन ले सकते हैं। इसको करने से आपके जितने भी दुख दर्द पीड़ा दूर हो जाते हैं। बच्चा का पढ़ाई में मन लगेगा। यह उपाय बच्चा भी कर सकता है, खुद या माता पिता भी कर सकते हैं। यह उपाय पूज गुरुदेव जी की कथा से सुनकर समझकर बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा आपको। करना क्या है, ध्यान से सुने। दोस्तों, मैं प्रियंका भक्ति में शक्ति चैनल में आपका स्वागत करती हूं। अगर आप नए जुड़े हैं हमारे चैनल में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें लाइक शेयर अवश्य करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपको सबसे पहले बेलपत्र लेना है। बेलपत्र खंडित नहीं होनी चाहिए। यदि किसी कारणवश आपको बेलपत्र नहीं मिल रही हैं तो आप शिव जी का चढ़ाया हुआ बेलपत्र भी ले सकते हैं और उसे साफ जल में धो लें। फिर शहद या लाल चंदन ले, दोनों में से कोई एक भी ले लें और एक लोटा जल ले लें। ये सब लेकर आप शिव जी के मंदिर पहुँच जाए और शिव जी के मंदिर में अपनी अनामिका उंगली से बेलपत्र पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए बेलपत्र पर बिंदी लगाएं और फिर अपनी कामना बोलते हुए बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपका दें। फिर एक लोटा जल ले। ध्यान से सुने। एक लोटे जल को सुरेश्वर महादेव का ध्यान उनका जप करते हुए महादेव जी पर चढ़ा देना है। यह उपाय आपको रविवार के दिन करना है। यह बहुत ही अच्छा अचूक उपाय है, पूज्य गुरुदेव जी ने बताया है। यह उपाय आप अवश्य करें। आपका बच्चा बहुत ही तेजस्वी प्रतापी होगा, चारों जग में नाम करने वाला होगा। अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो हमें कमेंट करके अवश्य पूछें, हम आपको फिर से आपको अच्छे से बताएंगे। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके लिए लेके आती रहती हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।